बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस एंड डाउट क्या कह रहा है। फॉलोइंग आर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ ए टू जेड लिमिटेड। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या ट्रांजेक्शन आई हमारे पास। इशूड 7500 शेयर्स ऑन पार एंड 1500 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 6। प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज 523,000। Suffered other operating losses of rupees 13,000 not included in the profit inadvertently. Inadvertently meaning ये गलती से हम ऐड करना भूल गए थे, तो 523,000 हमारा जो प्रॉफिट गिवन है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 13,000 के अपने लॉसेस तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 510,000 का। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा 510,000 बनता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 5 पर शेयर। ठीक है जी, डिविडेंड भी हमने डिक्लेयर कर दिया। रिक्वायरमेंट में है कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर एंड प्रिपेयर समराइज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द करंट ईयर। ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं सर काम थोड़ा सा, जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं ना। पहली एंट्री क्या बनाऊँगा मैं। अच्छा सर, अगर मैं इसकी क्रोनोलॉजी देखने जाऊँ तो पहला काम ये वाला आना चाहिए सर। फाइनल डिविडेंड अगर नहीं मालूम बताया गया तो पहला तो आपके लिए फाइनल डिविडेंड होगा। फाइनल डिविडेंड है तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस पे दिया जाता है, मतलब ये इशुएंस ऑफ जो शेयर्स हैं ये फाइनल डिविडेंड को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो पहली एंट्री तो मुझे बनानी चाहिए अपने डिविडेंड के लिए। रिटेन अर्निंग्स को मैं डेबिट कर दूंगा, डिविडेंड पेएबल को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितने शेयर्स हैं सर मेरे पास, 450,000 शेयर्स मौजूद हैं मेरे पास। सही है जी, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। 10 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। मल्टीप्लाई मैं करूंगा इसको रुपीज़ 5 से, क्योंकि 5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे कर रहा हूं। तो 450,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू 225,000। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट मैं इसको भी ले सकता हूँ, मैं इन दोनों को भी ले सकता हूँ। वैसे ये दोनों ईयर एंड के ऊपर ट्रांजेक्शन होंगी तो मोस्ट सुटेबल इज इशुएंस ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, इशुएंस ऑफ शेयर्स के बारे में क्या बोल रहा है कि 7500 शेयर्स इशू करे हैं हमने पार पे और 1500 शेयर्स हमने इशू करे हैं प्रीमियम पे। सर मैं दोनों की एंट्री ना अलग अलग ही बना देता हूँ, 2A लेट्स से। ठीक है जी, 2A के हिसाब से मैंने शेयर इशू करे हैं पार पे तो मेरी एंट्री बननी चाहिए कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने से सर, 7500 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10 से तो मेरे पास 75,000 शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, 2B के पास जाऊं यानी जब मैंने प्रीमियम के ऊपर शेयर्स इशू करे तो 1500 शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। सर 1500 शेयर्स को मल्टीप्लाई करूं 10 से तो मेरे पास आता है 15,000 शेयर्स एट शेयर कैपिटल के अकाउंट में आ जाएंगे ये। और 1500 शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अपनी प्रीमियम के अमाउंट से जो कि ₹6 है तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी इक्वल टू 9000। ठीक है जी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास फिगर आती है 24,000 की और ये मेरी सर एंट्रीज मुकम्मल हो गई सारी। और तो कुछ नहीं बच, अच्छा प्रॉफिट बच गया अभी, सॉरी प्रॉफिट की भी एंट्री बना लेते हैं सर। प्रॉफिट की एंट्री क्या है मेरे पास, P&L को मैं डेबिट कर दूंगा, रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया मैंने अपना प्रॉफिट जो कि है 510,000 रुपये का, 510,000। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सर, अब हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है एक। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर मैं इसकी बनाना शुरू करूं तो कंपनी का नाम हमारा ए टू जेड लिमिटेड और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ईयर हमें नहीं बताया गया तो उसको स्किप कर देते हैं। अकाउंट्स कौन कौन से सर मेरे पास, एक अकाउंट बनेगा शेयर कैपिटल का, एक बनेगा शेयर प्रीमियम का
एक बनेगा मेरे पास रिटेन अर्निंग का, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस सवाल नहीं बताए थे, 450, 300 और 215, तो 450,000, 30,000 और 215,000, सही है जी। इसमें सबसे पहले चीज़ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि हमारा बना था 510,000 आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेस। नेक्स्ट चीज़ मैं इसके अंदर सर नंबर टू पे मैं डिविडेंड ऐड कर देता हूँ, डिविडेंड पेड। डिविडेंड सर हमने कितना इशू किया था, एंट्री के पास चलते हैं अपनी, 225,000 का, तो 225,000 मैं रिटेन अर्निंग्स में से माइनस कर दूंगा। डिविडेंड के बाद नेक्स्ट चीज़ सर मैंने शेयर्स इशू किए, इशूएंस ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, कितने के शेयर्स इशू किए थे सर मैंने, 7,500 शेयर्स इशू किए थे बार के ऊपर, तो 75,000 के मैंने शेयर इशू कर दिए। नंबर फोर में अगर देखूँ तो यही इशूएंस ऑफ शेयर्स है एट प्रीमियम। सर प्रीमियम पे कितने शेयर्स इशू किए थे मैंने, 1,500 शेयर्स इशू किए थे जो पार पे चले गए, और 6 रुपये के हिसाब से वो प्रीमियम पे चले गए, तो 15,000 शेयर कैपिटल के अंदर ऐड हो गया और 9,000 प्रीमियम के अंदर ऐड हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आके सर सवाल मुकम्मल हो गया। अब सिंपल क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेता हूँ मैं, तो शेयर कैपिटल के बैलेंस का क्लोजिंग आ रहेगा 540,000, शेयर प्रीमियम का 39,000 और रिटेन अर्निंग्स का आएगा मेरे पास 950,000, ठीक है जी। ये सवाल भी ख़त्म हुआ सर, आगे बढ़ते हैं।